जनपद के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को आईजी प्रवीण कुमार ने निरीक्षण किया। इसके दौरान ही बता दें कि भोजनालय बैरक हवालदार रिकॉर्ड कक्ष मालगृह का निरीक्षण किया। इसके बाद ही उन्होंने पुलिस कर्मियों से कोतवाली में मौजूद हथियारों की जानकारी जुटाई और पुलिस कर्मियों से पूछा गया कितने हथियार हैं, कितने पुराने हैं, गोलियों की संख्या जानकारी में ली गई और साथ ही आपात स्थिति आने पर कोतवाली में क्या क्या उपाय और संसाधन है। इसके बाद उन्होंने चौकीदार की बैठक ली, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने लोगों की अपील की और निर्देश भी दिए। कोई अप्रिय घटना की जानकारी मिल तो तत्काल कोतवाली प्रभारी थाना अध्यक्ष को दी जाए। इस अवसर पर एसपी नीरज कुमार जादौन, एएसपी मनीष मिश्रा, सीओ हरीश भदौरिया, सीओ सिरोही गौतम सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्राइम टीवी न्यूज चैनल के लिए वीरेंद्र तोमर, बागपत, उत्तर प्रदेश। देखिए, पुलिस लाइन का, पुलिस कार्यालय का और उसी के क्रम में थाने का जो एक वार्षिक निरीक्षण है उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पर हैं। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह होता है कि हम अपनी व्यावसायिक दक्षता को, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कैसे परखें और उसे और उत्तरोत्तर कैसे बेहतर कर सकें। उसी दिशा में लगातार जो अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जहाँ पर कुछ कमियाँ हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इनका उद्देश्य होता है और उसी परिपेक्ष में यहाँ पर आए हैं। और अभी इसका और विस्तार से, इसकी गहनता से जो यहाँ के दर्ज मुकदमे हैं और जो तफ्तीशें चल रही हैं उनकी गुणवत्ता का भी परीक्षण किया जाएगा और जो ठीक काम जहाँ पर रहा होगा निश्चित तौर पर सबको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी हम देख रहे थे कारतूस की गिनती हो रही है, ये क्या मामला? नहीं नहीं ये तो ड्रिल है और जिसमें हम लोग इस बात को देखते हैं कि कुल मिलाकर के थानों पर पुलिस लाइन के माध्यम से जो भी हमारे पास शस्त्र हैं, जो भी कारतूस हैं, वो उनका रखरखाव ठीक है, उनकी संख्या ठीक है, कोई मिसिंग तो नहीं है। तो इसको परीक्षण किया गया, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं पाया गया, लेकिन ये प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहती है और लगातार रैंडम चेकिंग इसमें की जाती है। अभी कोतवाली की जो बैरक है वो मैस है, यहाँ पर रसोईया नहीं, रसोईया तो थी वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पर इसका कार्य पूरी तरीके से इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है, उसमें निर्देश भी दिए गए हैं जिससे कि हम लोग इसको और बेहतर तरीके से कर सकें। थैंक यू। अभी हम लोग इस प्रक्रिया चल रही है और इसमें कमियां जो भी होंगी वो निश्चित तौर पर उनमें भी सुधार होगा और कुल मिलाकर के यहां पर जो एसपी साहब हैं उनकी जो टीम है वो बेहतर कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे उसको और सुचारू रूप से, इस व्यवस्थित रूप से कार्य करते रहें। थैंक यू।